हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और सुबह की मॉर्निंग। और देखिए, आज यहाँ सब लोग जल्दी उठ गए हैं क्योंकि यहाँ सुबह सुबह ही 5 बजे बंदर आ गए थे। तो जब से सब उठ के काम करने में लगे हुए हैं और हमारी गैस कई दिनों से ख़त्म हो रही है, तो सब लोग चूल्हे पे लगे पड़े हैं खाना बनाने में, और जो जल भी नहीं रहा है। अब ये देखिए हमारी ननद जी को, ये तावा लेके खड़ी हैं, चूल्हा जलाएंगी अब ये। अब फिर हम सब लोग रोटी बनाएंगे। तो बहुत धुआं हो रहा है, मुझसे तो जल ही नहीं रहा, परेशान हो गए चूल्हा जलाते जलाते। और ये देखिए, ये हमारी देवरान जी, दिख रही हो? नो, नहीं। हेलो बोलो। हेलो ये हमारी देवरान जी कान्हा जी की पूजा करने जा रही हैं, जा रही हैं। ये नहा चुकी हैं और अभी हम सब लोग बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। राम जपत थी। हमें जुखाम हो गया है, आज कई दिनों से जुखाम हुआ पड़ा है जो ठीक नहीं हो रहा है, और परेशान हुए पड़े हैं जुखाम से। यहाँ मौसम बदलता रहता है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, तो इसलिए जुखाम हो जा रहा है। हमारे घर में सबको कोल्ड हुआ पड़ा है, मतलब जुखाम हुआ पड़ा है, और कुछ तो चूल्हा जला जला के जुखाम हो जा रहा है। अरे देखिए, अब लगे हुए हैं हम लोग बनाने में। देखो ये हमारी खुशबू जी, इनकी फूक बहुत तेज है। हेलो दोस्तों, हमारी आग ना जला था, अब कैसे जलाई? इनकी आग ना जल रही है। ये देखिए ताड़ के पत्ते हैं, ताड़ के जो पत्ते होते हैं उससे हम लोग चूल्हा जला रहे हैं। लकड़ी भी नहीं मिलती जल्दी, क्योंकि हमारे यहाँ जंगल नहीं है, ज़्यादातर बस सबके खेती खेत हैं, तो जंगल नहीं है, तो इस वजह से यहाँ लकड़ी वकड़ी भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम आपसे रोटी रोटी जब बना लेंगे उसके बाद मिलेंगे, क्योंकि एक ही काम हो सकता है, या तो रोटी बना ले या वीडियो ही बना ले। अब जब हम रोटी बना लेंगे तब हम आपसे मिलेंगे थोड़ी देर बाद। ये देखिए हमारा चूल्हा जल गया है, बना लेते हैं, नहीं तो ये चूल्हा बुझ जाएगा हमारा। देखो कितनी अच्छी आग जल रही है, अब तावा गर्म हो गया है। अब हम फटाफट रोटी बना के फिर आपसे मिलते हैं। हेलो दोस्तों, हमारे घर में कुल बंदर आला ने कुल खाना उना छीटी ना उन्हें, आटा उटा कुल छीट के खाए ना उन्हें, और चूल्हिया पे हम तो खाना बनावत रहे। और सुबहियाँ उठली मार बंदर घर में आ के एकदम कुल लाइन लगौले हुए, आटा उटा छीट ना उन्हें, हमार रसोइयों देखा तो अच्छा ना है। बाल्टी ये भाभी रोटी बनाई के देखा बैठल चूल्हा पे, चाय गरमावा थी ना पी है, और एक जनी देखा। तो दोस्तों देखो, हमारी रोटी बन चुकी है और हमारी देवरान जी झाड़ू लगा रही है, अभी साफ सफाई चूल्हा उल्हा बुझ गया है। ये देखिए साफ सफाई कर रही है। ये देखिए हमारी ननद जी को कैसे दांत चियार चियार के ताड़ चबा रही है। तो हम देखो ताड़ खा रहे हैं, हम देखो ताड़ खा रहे हैं देखो। ये देखो ये मेरा बेटा, ये भी कह रहा है देखो जो तो हम ताल खा रहे हैं। ये देखो ये देखो ये देखो ये ताड़ खाने में लगे हुए हैं। ताड़ का फल होता है ये, जब पक जाता है तो इसे खाया जाता है। ये देखिए इससे कमर दर्द में बहुत फायदा मिलता है, खाने से कमर दर्द नहीं करती है। और ये देखिए कितने सारे बर्तन पड़े हैं, पूरे घर के बर्तन आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं बर्तन मांजने, अब आपको हम लोग बर्तन वर्तन मांज के फिर मिलेंगे। और तब तक देखिए ये लोग ताड़ चबाने में व्यस्त हैं खाने में। ये भैया आए देखा नैहरे जाथिन छोटकी भौजी, कहतीन हम जाती एक महीना खातिन, फिर उसके बाद चली आए। हाय देखा बड़की भौजी बर्तन मांजा थी।
कहा थे तो शर्म नहीं आ रही, वो बैठ के मार रही और सारे खड़े होके निहार। मैं कहा नहीं आ रही, मैं तो जाते धोए कहा थे कि मैं तो कपड़ा डाल के आई, मुझे लौट डाल दी। देखा था वो भैया लोगों ने बहुत दोनों जनी लड़ाई कर, अरे बाप रे बाप, एकदम एकदम रहना जाता हमसे, हमसे देख के रहना जाता। इधर इन तरह से और एक जने लगा लाइन एकदम बर्तन धोने में, हमार चूल्हो लो देखे थे अच्छा है कि नहीं। जल्दी जल्दी बर्तनों धो ला, धो तो रहे हैं और कैसे धोए। अरे तार बर्तनों ना निक के साफ होते हैं। साफ ना होते नहीं, हाय देखा तब हुआ भैया लोग नहीं बोला थी कैसे कहा थी बर्तनों ना साफ। अब देखा इनका रहतवा एकदम पक्का हो, अब बस साफ कर दी। हमारे घर में पपीता फरल हो, देखा खरीदे कोई तो ले लिया लाइव कहके। ये देखो जा रही हैं गोबर फेंकने, और गोबर फेंक के आएंगी तो नहाएंगी धोएंगी, खेत में जा रही हैं गोबर फेंकने। और ये देखिए हमारी गैया को उठाऊं क्या, उठा लो है, उठाना पड़ेगा इतना लो। पर देखो ये तो मारने आ रही गन्हात। जाओ तो उठा के गोबर पटक देखे जैसे हमारी मुड़िए टेढ़ हो जाए। हेलो दोस्तों, देखिए ये लोग काम वाम करके दोपहर में सरसों बना रही हैं दोनों की दोनों। ये हमारी ननद है वो देवरान है, ये देखिए देवरान, ये देखिए ये देवरान नहीं, ये मोबाइल ले रखी हैं और सरसों झाड़ रही हैं। और इन्हें देखिए ये सरसों पछोड़ने में लगी पड़ी हैं, जैसे कोई बुढ़िया होती है वैसे बैठ के सरसों पछोड़ रही है। ये देखो ये देखो खुशबू, ऊपर देखो, अरे मेरे ऊपर ही पछोड़ दोगी, दूर हो जाऊंगी तुमसे, पछोड़ रही हो मेरे ऊपर ही। ये देखिए इसमें से सरसों का तेल निकलता है, ये देखिए तो सरसों के बीज है, इसमें से इसे ले जाएंगे कोलू में पेरने के लिए, और इसमें से सरसों के सरसों का तेल निकलेगा इसमें से। ये देखिए जो है ये देखिए ये जो इसमें है ये इसे साफ किया जा रहा है, और इसमें मोटी पतली सरसों दोनों है। ये देखिए कैसे मोटी सरसों है, इसमें बहुत अच्छा तेल निकलेगा। अब ये देखिए इसमें छोटी छोटी सरसों भी हैं, वो छोटी सरसों निकल जाएंगी, वो राई का काम करेंगे। ये देखिए मतलब तड़का मार राई एकदम महीन दिखाई, वो झड़नैया सरसों रहती है ना, उसे ही तो राई बोलते हैं झड़नैया सरसों को। ये देखिए इधर देखो, ये देखो दोनों की दोनों लड़ती रहती हैं आपस में, ये देखो आए रे। ये तो झगड़ा ही करने लग गई बनाते बनाते, सरसों मार पीट कर लेती हैं दोनों की दोनों आपस में। हट जाने से बुला देता हूं। चलो भैया हम लोग यहाँ से चलते हैं, ये बनाते बनाते गर्म हो रही हैं, उन्हें गर्मी लग रही है, उन्हें देखो ये 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 लगी हुई है। तो ये होगी 5-10 किलो सरसों, ये देखिए ये छोटी 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 सरसों निकल रही है, ये राई बोलते हैं इसे, ये बड़ी वाली सरसों है, और ये जो छोटी छोटी ये एकदम ये देखिए ये राई है, ये राई होती है, ये देखिए ये वैसे इसमें कचरा भी है, ये पछोड़ रही है, इसमें से कचरा सब निकल जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, हम आपसे बाद में मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोलिए दोनों जने,
बोलो सब्सक्राइब कर। हेलो दोस्तों, बाय बोल दीजिए सबको। ना बोलो, क्या बोलिए?